चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वैदिक पथ के पथिक स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी ने ऐसे कई कार्य किए जो हमेशा मिसाल बने रहेंगे। गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे आदर्श स्थापित किए जिन्हें अगर हम अपना लें तो राम राज्य की कल्पना साकार की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि हमें हर काम से पहले ये जांच लेना चाहिए कि इसके करने से सबका हित होगा या नहीं। अगर व्यक्तिगत तौर से लाभ लेने वाला कोई काम समाज के अहितकर है तो उसे नहीं करना चाहिए। आज इन्हीं स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी की 93वीं जयंती बड़े उमंग के साथ मनाई गई। जींद के जिमखाना क्लब में मित्र स्मृति समारोह के मुख्य वक्ता के तौर पर भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अविनाश चावला मौजूद रहे। वहीं जाट धर्मार्थ सभा के प्रधान देवव्रत ढांडा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अतिथियों का स्वागत किया और स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश भी डाला। इस अवसर पर स्वर्गीय मित्रसेन जी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई तो वहीं आर्य समाज के भजन उपदेश भी गाए गए। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि स्वर्गीय मित्रसेन जी आर्य कहते थे कि शिक्षा विद्या ज्ञान सबसे बड़ी ताकत धन और सौंदर्य है, सभी को साथ लेकर चलते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडस ग्रुप जींद में बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है, यहाँ के बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही अव्वल रहने वाले 30 छात्रों को निशुल्क कोचिंग भी दी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक राम कुमार कटवाल, बान सिंह आर्य, कली राम पटवारी, CRSU के VC डॉक्टर रणपाल, BJP के प्रदेश प्रवक्ता कर्मवीर सैनी, डॉक्टर राज सैनी, रमेश सैनी, मेजर सत्यपाल, डॉक्टर एकता सिंधु, विभिन्न खापों के चौधरी, 40 से ज्यादा सामाजिक धार्मिक और आर्य समाज से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी और शिक्षण संस्थानों के से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पिताजी के जीवन से शिक्षा विद्या से जुड़े हुए जो उनके सोच थी वो समाज में उसका संदेश जाए और उसी प्रकार से अर्थ प्रबंधन से जुड़ा हुआ उनका जो पूरा मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स थे वो समाज में जाए कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स ले करके कोई व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कई देशों का भी भ्रमण किया और देश में भी उन्होंने केवल उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में काम नहीं किया, उन्होंने भूटान तक में काम किया, उन्होंने अगरतला में भी काम किया, उन्होंने इम्फाल में भी काम किया, दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने काम किए और उन कामों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उसके पीछे हम जो समझते थे कि उन्होंने कोई भी काम बहुत बड़ा स्टेप से नहीं किया, बहुत बड़ी छलांग से नहीं किया, वो हर काम को बहुत स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते थे, बहुत सरल, बहुत सहज। आज के मैनेजमेंट फंडामेंटल्स में एक चर्चा चलती है ये द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द माइक्रो स्टेप्स, जो माइक्रो हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स, ये जो एटम के स्तर की जो आदतें हैं रोजमर्रा के जीवन की, एक आदत को धीरे 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 सुधारते चले जाना और उसका जो रिजल्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज में जो उसका रिजल्ट मिलता है उसका अगर मेरे जीवन के अंदर कोई उदाहरण में देखता हूं तो मुझे पिताजी का जीवन वास्तव में वह छोटी छोटी हैबिट्स को सुधारते सुधारते और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाना है। उनके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व था, वो सबसे ज्यादा महत्व विद्या को देते थे, सबसे ज्यादा महत्व ज्ञान और विज्ञान को देते थे। बचपन से जब से होश संभाला उनके शब्द वही रहते थे, के अच्छे जो टीचर्स हैं उनको जीत में ही ला कर के और उनकी पढ़ाई भी बाधित ना हो, उनकी रूटीन की जो स्कूल की एजुकेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, तो उसके साथ साथ ही इन शिक्षण संस्थाओं में ये कोचिंग सेंटर्स और केवल मात्र जो IIT या PMT के कोचिंग सेंटर या इंजीनियरिंग कॉलेजिंग के एडमिशन के कोचिंग सेंटर नहीं, जो अपने कुछ जॉब्स के भी कोचिंग सेंटर वो यहीं पर अच्छे टीचर्स के थ्रू अच्छी एजुकेशन मिल सके,
ये इंडस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आज उसकी शुरुआत की है, हम उनको इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने तय किया है कि जो एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे उसमें जो टॉपर 30 बच्चे आएंगे, 29 बच्चों को भी वह फ्री कोचिंग देने की यहाँ पर आज उन्होंने संकल्प किया है। मित्र सेन आर्य जी एक महान शख्सियत थे, वो एक प्रैक्टिकल फिलोसोफर थे और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए और बहुत सारी परिवारों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा का वो स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अनुशासित रहे वो, और फॉर्मल बहुत एजुकेशन ना होने के बावजूद भी जो है बहुत स्किलफुल थे और एक जो मानव मूल्यों का भरपूर उनके पास भंडार था। शिक्षा के प्रति, नारी शिक्षा के प्रति उनका रुझान था और चौधरी मित्रसेन का जो महिला की शिक्षा को लेके जो उनका विचार था उसको आगे बढ़ाने का हम आज संकल्प लेते हैं कि वैदिक पद्धति से महिलाओं को आगे बढ़ाना समाज में एक सुंदर समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है।